का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। जैसा कि आज सभी जानते हैं, भारत की स्वर कोकिला मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। इसी साल 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आपको बता दें, जनवरी के महीने में लता मंगेशकर जी को निमोनिया के चलते, चेस्ट में इन्फेक्शन होने के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लता मंगेशकर जी जिंदगी से जंग हार गई। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं लता मंगेशकर जी को पल पल याद करती हुई देखे जा रही हैं उनकी सभी बहनें और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी। आपको बता दें, हाल ही में लता मंगेशकर जी का पूरा ही परिवार नजर आया और उस दौरान पूरा ही परिवार काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखाई दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, दीनानाथ मंगेशकर सभा गृह में लता मंगेशकर जी की फोटो का अनावरण किया गया। इस दौरान पूरा ही परिवार पहुंचा और काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखाई दिया है। यहां पर देखकर गायिका लता मंगेशकर जी की छोटी लाडली बहन आशा भोसले आंखों से आंसू छलकाती हुई देखी गई है और दिल छू लेने वाली बात कहती हुई नजर आई है। देखिए ये वीडियो। तिला ती नेहमीच सांगायची, आशा तू चालली लंडनला किंवा अमेरिकेला, कुठेही जाताना मी तिला पाया पडून जायचे। तर ती सांगायची, तू सारखी मला पाया पडू नकोस, माझा आशीर्वाद नेहमी तुझ्याबरोबर आहे। तू आली नाहीस तरी पण माझा आशीर्वाद तुझ्या मागं आहे। माई आणि बाबा आणि मी तुमच्या सदोदित जवळ आहोत। आता हा प्रश्न पडलेला आहे की पाया कुणाच्या पडायच्या, कुणाचा आशीर्वाद घ्यायचा। वडील गेले त्यावेळेला आम्ही लहान होतो, माई गेल्यानंतर पण दुसरे बाबा होते आमचे, लता मंगेशकर। इतकं जाणवलं नाही, पण आता खरंच ती गेल्यानंतर जाणवत आहे की आम्ही अनाथ झालो, आम्ही पोरके झालो, असं सगळं सगळं आहे। कुणाला घर आहे, सगळे बरोबर आहेत, पण एक मनातून असं येतं आहे की आपल्यावरचा आशीर्वाद, तिचा आशीर्वाद नेहमीच आहे, पण आपण आता कुणाला विचारायचं, काही आपल्याला अडचणी आल्या तर कशा कुणाला विचारायच्या, कुणाला विचारायच्या, आता हा प्रश्न पडतो। आणि तिची ती शांत मूर्ती सारखी डोळ्यासमोर येते, गादीत बसलेली असायची, हसत असायची, वाटलं नव्हतं एवढ्या लवकर जाईल, अजून 5-6 वर्ष जगली असती। Thank you.
आज तभी ने देखा जाना किस तरह से आशा भोसले पल पल उन्हें याद कर रही हैं। उनकी आंखें काफी ज्यादा नम होती हुई नजर आई हैं, आंसू पहुंचती हुई देखी गई हैं और ये हालत हर किसी की आंखों को नम कर रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।